Hey guys, welcome to Tech Ricky. आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पास मैंने कुछ दिन पहले Redmi 4 लिया था, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने Redmi 4 को फुल्ली कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं Redmi 4 के अंदर थीम्स का ऑप्शन है, तो मैं थीम्स का ऑप्शन ऐप में ओपन करता हूँ तो आप नॉर्मली देख सकते हैं हमें इसमें से थीम्स, वॉलपेपर, रिंगटोन, फॉन्ट्स कुछ भी इसमें से डाउनलोड करके अपने फोन में अप्लाई कर सकते हैं। बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जैसे फॉर एग्जांपल 4-5 थीम्स डाउनलोड करके अलग अलग थीम्स के लॉक स्क्रीन या वॉलपेपर्स अलग अलग आप एक्सचेंज करके भी कस्टमाइज कर सकते हैं अपने फोन को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको थीम्स का ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका अकाउंट जैसे एक आइकन है, तो आपको उसमें जाना है, आपका माई अकाउंट बताएगा। तो आपको कुछ थीम्स डाउनलोड करने होंगे पहले, तो मैं बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्च बार आपको मिलता है। तो आप फॉर एग्जाम्पल iOS के अलग अलग थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं या अलग अलग फोन के आप कोई भी थीम्स डाउनलोड कर लें। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। इसके लिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो देख सकते हैं ये वाला मैंने डाउनलोड नहीं किया है, मैंने कुछ डाउनलोड करके रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे जाना है और थीम्स के ऑप्शन में देख सकते हैं मेरे पास 9 थीम्स है, तो इसमें से मैं कोई भी चूज कर सकता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो इसमें थीम्स में जो लॉक स्क्रीन है और वॉलपेपर है सारे डिफॉल्टली सेट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सेटअप हो रहा है और आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेटस बार है ये इसी थीम का है। मतलब यहाँ पे मैं कस्टमाइज नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने एक थीम अप्लाई किया है तो वही थीम का सारा लॉक स्क्रीन या जो भी है वो सारा अप्लाई हो जा रहा है। बट मुझे लॉक स्क्रीन अलग चाहिए, स्टेटस बार अलग चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। पहले आपको जो भी अलग अलग स्टेटस बार या लॉक स्क्रीन चाहिए उन सबके अलग अलग थीम्स डाउनलोड कर लीजिए। तो देख सकते हैं मेरे पास 9 थीम्स है, इसमें से आपको बैक जाना है और वापस इस आइकन पे क्लिक करके नीचे आपको फोर्थ ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज थीम का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है जैसे कि लॉक स्टाइल, स्टेटस बार, आइकन, मैसेजिंग, डायल पैड या फेवरेट ट्रेस। तो आप इनमें से चूज कर सकते हैं कि आपको रखना क्या है। तो आप लॉक स्क्रीन पे जाके अलग अलग थीम्स में आपने जो डाउनलोड किए हैं इसमें जाके आप थीम्स में चूज कर सकते हैं कि आपको लॉक स्क्रीन कैसा चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं iOS पे जाता हूँ, ये मैंने iOS आप देख सकते हैं कि X iOS 10 White ये कलर ये नाम करके मैंने एक थीम डाउनलोड किया है, तो उसमें से ये लॉक स्क्रीन है, तो इसे मैं अप्लाई करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो मैं इसे पहले अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा जो लॉक स्क्रीन है वो iOS की तरह हो गया है जैसे कि आपको प्रीव्यू में दिख रहा था। तो मैं इसे अनलॉक कर लेता हूँ, बट मेरा जो नॉर्मल थीम है सामने जो आपको दिख रहा है स्टेटस बार, वो नॉर्मली जो मैंने अभी सैमसंग गैलेक्सी का जो एज था वो थीम मैंने डाउनलोड किया था, तो उस वही अप्लाई है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ लॉक स्क्रीन चेंज हुआ है। तो आपको मैं आगे भी करके दिखाता हूँ अलग अलग थीम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस बार का एक ऑप्शन मिलता है, तो मैं आपको बता दूं मेरा अभी स्टेटस बार जो है मैंने नॉर्मली थीम अप्लाई किया था, तो ये आप देख सकते हैं मेरा नॉर्मली स्टेटस बार है। तो मैं अगर स्टेटस बार के ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे आपने जो भी थीम डाउनलोड किया उसमें से जो भी स्टेटस है स्टेटस बार के ऑप्शन है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक थीम है तो मैंने डाउनलोड किया था, तो ये स्टेटस बार मैं अप्लाई करने की ट्राई करता हूँ। तो मैं जैसे अप्लाई बटन पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं स्टेटस बार थोड़े सेकंड के लिए गायब होगा और ये वापस आ चुका है। तो अगर मैं नीचे स्लाइड करता हूँ तो आप देख सकते हैं स्टेटस बार मेरा चेंज हो चुका है। और लॉक स्क्रीन मैं आपको दोबारा दिखा दूं, तो लॉक स्क्रीन देखिए iOS का ही है, तो मैं अनलॉक कर देता हूँ। अब फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टम आइकन्स का ऑप्शन है, तो आप आइकन्स में जाते हैं तो आपको अलग अलग आइकन के पैक्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो भी थीम्स डाउनलोड किए उसमें जो भी अलग अलग आइकन्स है सारे थीम्स में अलग अलग आइकन्स के स्टाइल्स होते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी थीम का आइकन चूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे iOS चूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये अप्लाई हो चुका है। और मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ तो थोड़ा ये सेटअप होने में टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा थीम जो है वो iOS जैसा हो चुका है, बट वॉलपेपर पहले जैसा ही है। तो मैं दोबारा इसमें जाऊंगा थीम्स में और मुझे और भी अगर कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आप जो मैसेजिंग ऐप नॉर्मली यूज करते हैं तो आपको दिखा दूं मेरा मैसेजिंग ऐप नॉर्मली ऐसा है, अगर मैं मैसेज कोई राइट करता हूं तो ऐसा कुछ आता है, तो आप ये भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ भी चूज कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ये अगर मैं चूज करूँ और अप्लाई करूँ तो आप देख सकते हैं मेरा मैसेजिंग ऐप अंदर से पूरा चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो
ये देखिए ये चेंज हो चुका है। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है आपका, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा भी अभी जल्दी चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फ़ोन एक बार रिबूट करना है, आपका अच्छे से चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट कस्टमाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कस्टमाइजेशन हमारा है डायल पैड। तो आप डायल पैड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर iOS का चाहूँ तो iOS का भी रख सकता हूँ, और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, रोज, हाई लाइफ, तो मैं अगर ये चाहूँ तो ये भी रख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं डायल पैड मेरा चेंज हो चुका है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट कस्टमाइजेशन की तरफ। तो आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है फेवरेट ट्रीज। इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, मतलब आपको जो ये दिख रहा है आइकन्स, इसके ये कौन से स्टाइल से, मतलब ट्रेस से एक्सचेंज होना चाहिए। एनिमेशन जो है आपको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ आपको चेंजेस दिखने को नहीं मिलेगा, फिर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, तो मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थीम अप्लाई हो चुका है, तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ रहेगा। तो आप देख सकते हैं पहले और अभी वाले में थोड़ा सा आपको फर्क नज़र आ रहा होगा। तो आपको मैं स्टार्टिंग से बता दूँ, मेरा लॉक स्क्रीन चेंज है, ये देखिए iOS का लॉक स्क्रीन, आप देख सकते हैं स्टेटस बार भी चेंज है, और ये रीसेंट ऐप्स का जो है ये भी चेंज है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और आपको आइकन्स भी iOS के मिलते हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपने iOS का आइकन चूज किया है, तो अगर आप अपने फ़ोन को रिबूट करते हैं, तो जैसे iOS का फ़ोन जो रहता है आईफोन, वो जैसा बूट होता है, तो वैसे ही iOS का एप्पल का लोगो आपको मिलेगा। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।